गाइस, मैं खुशरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। अमिताभ बच्चन ने अभी डॉक्टर्स का किया धन्यवाद और बताया है ईश्वर रूपी देवता। चलिए हम लोग आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला जो कि अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ अभी अभी लेटेस्ट से सब जगह पर फैल रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इसके जरिए हम आगे की भी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले लेके आ पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अमिताभ बच्चन जी और उन्हीं के साथ उनके बेटे जो कि अभिषेक बच्चन जी है वो मुंबई के हॉस्पिटल नानावती में अभी एडमिट है, और उस दौरान ही वहां के जो कि अंसारी डॉक्टर है जो कि उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर है अंसारी, वो एक्चुअली लगातार अपडेट्स दे रहे हैं इन दोनों के एक्चुअली में अब जो कि ट्रीटमेंट हो रही है उसकी अपडेट्स बाहर निकल रही है कि वो कैसे हैं, इस वक्त क्या ट्रीटमेंट हो रही है, क्या सिचुएशन है। तो अभी जो सिचुएशन निकल के बाहर आई यही चीज बोला जा रहा है कि उनकी जो सिचुएशन है वो एकदम स्थिर है, दोनों को अलग अलग वार्ड में रखा गया है और ट्रीटमेंट हो रही है उनकी और अभी हालत में सुधार है, और पर फिर भी 7 से 8 दिन लगातार उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। उस दौरान ही जो ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन है वो एक्चुअली में अभी घर में ही क्वारंटीन हुए हैं। इस दौरान ही डॉक्टर्स ने एक्चुअली में अमिताभ बच्चन जी को ऑनलाइन रहने की भी परमिशन दी हुई है, जिस जरिए अमिताभ बच्चन जी लगातार ट्विटर के जरिए अपने फैंस को धन्यवाद कर रहे हैं। उसी दौरान अभी उन्होंने डॉक्टर्स को धन्यवाद किया है और ईश्वर रूपी बोला है। ये मुश्किल की घड़ी में डॉक्टर्स जो है वो सच में ईश्वर रूपी है, जहां पर उन्होंने ये चीज बताया है कि ये जो अनुभव है, ये जिस तरीके से डॉक्टर्स ईश्वर बन के सामने आए हैं इतनी मुश्किल घड़ी में हमारा देखभाल कर रहे हैं, ये कोई देवता से कम नहीं है, ये ईश्वर रूपी देवता है। उन्होंने नर्स की, डॉक्टर्स की काफी ज्यादा तारीफ की है जो कि काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। उस दौरान ही उन्होंने ये भी चीज बोला है कि मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयान करने के लिए कि आप लोग कितना ज्यादा मेरे लिए फिक्र कर रहे हैं। तो आई होप गाइस आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे की और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए, गेट वेल सून करके कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।